अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार गुरु। आज के दिन जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन के तहत तमाम हमारे स्टेट के आला लीडर और हमारा अप्पूगौड़ा के क़यादत में जो आज कॉरपोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं, उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इस गुलबर्गे को जो आज गुलबर्गे के अंदर हमारे भवानी ईदगाह जो बना है, उस ईदगे के सिलसिले में बोलना है तो हमारे चंद्रशेखर पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं बीजेपी पार्टी सही नहीं है, हमारे कौम के ख़िलाफ़ है, मगर ऐसा हम सोचना भी गलत है, क्योंकि ऐसा होता तो चंद्रशेखर पाटिल ने जब येडियुरप्पा सीएम थे उस वक्त गुलबर्गा के ईदगाह को, भवानी ईदगाह को 1 करोड़ रुपए सेंक्शन किए थे उन्होंने। उसके बाद तुरंत उन्होंने जो सेडम का जो ईदगाह है, वो ईदगाह के सिलसिले में आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि कईयों सालों से जो नहीं होने वाला मसले को चंद्रशेखर पाटिल जी ने कहा था, मैं जीत के आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो ईदगाह मैंने आपके हवाले कर दूंगा ईदगाह की जगह, तो उन्होंने वही करके दिखाया। इसीलिए तो चंद्रशेखर पाटिल हो या अप्पूगौड़ा हो, ये लोग कभी भी हमारी कौम की बुरा सोचते नहीं लोग। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है, आज गुलबर्गे के अंदर कभी कॉरपोरेशन के अंदर एक भी टिकट नहीं मिलती थी, आज 11-11 टिकट कॉरपोरेशन ने मुसलमानों को दिया है। क्यों दिया है? इसकी वजह यही है कि भी मुसलमानों में मेन स्ट्रीम में आ जाए, पार्टी के तहत आ जाए, तो इसीलिए मुसलमान लोगों भी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहने की वजह से मुसलमानों के भी काम हो जाए, इसके सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सोच समझ के आज पार्टी में जो हमारे को टिकट दिया है, उस टिकट का हम जीत के कौम की और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर हमारे को एक बार एक मौका दे के देखिए, हम अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान लोग बीजेपी बोलते ही बहुत दूर हटते हैं, तो उस भरम को तोड़ दीजिए आप। कोई भी पार्टी किसी एक कौम के होती नहीं, जो भी पार्टी है वो डेमोक्रेसी के तहत हो रहती है, इसीलिए हम पार्टी को छोड़ के दूर जाना नहीं है। मेरी ये अपील है, मेरे अदबंद गुजारिश है मेरे मुसलमान भाइयों से, क्योंकि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके एक बार मेरे को एक मौका दे के देखिए, मैं वार्ड नंबर 40 को कहाँ से कहाँ पता पहुँचाता हूँ, क्योंकि आज खाली कॉरपोरेटर बोले तो खाली रोड नाली देखने वाला नहीं होना चाहिए, कॉरपोरेटर बोले तो हर तरह से आवाम को जो सहूलत मिलती है वो सहूलत देने वाला कॉरपोरेटर होना चाहिए। खाली रोड से मैं नालियाँ देखा, रोड देखा, उससे कुछ होने वाला जाने नहीं है। कौम की डेवलपमेंट होना, हमारा वार्ड का डेवलपमेंट होना, हमारे कौम के लोगों के लिए रोज़गार खुल जाना, ये सब होना है तो मेरे को एक बार आप लोग मौका दे के दीजिए। मैं अपने दिल से कहता हूँ कि आपका काम मैं ज़रूर करूँगा, एक बार मेरे को मौका दीजिए आप लोग।
Thank you for watching GoHash. Like, share, and subscribe our channel.